एक सीरीज गिवन आपके पास, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस थ्री बीटा डॉट 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 डॉट, है ना, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। मेरे को इतना बता दीजिएगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है। हाँ जी जल्दी कमेंट कीजिएगा, आपको काउंट करना आना चाहिए, यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, फोर मतलब थ्री बीटा है। पहले तो ये देखिएगा बीटा बीटा ऐड हो रहा है, नीचे लिखा भी है हेयर एर्गुमेंट हैज इक्वल कॉमन डिफरेंस बीटा, मतलब सब में बीटा बीटा ऐड हो रहे हैं, यहाँ सब में कॉमन डिफरेंस बीटा है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा कि थ्री बीटा में कितनी टर्म ऐड हो रही है, फोर टर्म ऐड हो रही है, तो यहाँ लास्ट में क्या है, एन माइनस वन बीटा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स हुई एन। हाँ जी, जब साइन की सेम आर्ग्यूमेंट सेम डिफरेंस आर्ग्यूमेंट हो तो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। इसमें थ्री साइन आएगा, क्या आएगा, थ्री साइन आएगा, कौन कौन सा थ्री साइन आएगा ध्यान से देखिएगा, साइन बटा साइन गुणा साइन। हाँ जी, ये तीन साइन जो आया है थ्री साइन, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, ऊपर वाले में लिखा जाएगा एन बीटा बाई टू। अब बीटा आपका लिखा ही है, बीटा क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है, आर्ग्यूमेंट का कॉमन डिफरेंस है। हाँ जी, नीचे वाले में लिखा जाएगा बीटा बाई टू, और इसमें लिखा जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इसको किस तरीके से याद रखा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस तरीके से इसको याद रखा जाएगा। वापस लिख रहा हूँ इसको याद रखने का तरीका, पहले हमें साइंस की सीरीज होनी चाहिए, सेम सेम आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, इक्वल कॉमन डिफरेंस होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का, तब हमारे तीन साइन आएगा और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ बीटा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन गुणा कॉमन डिफरेंस बाय टू, क्योंकि यहाँ बीटा बाय टू है तो कॉमन डिफरेंस है बीटा, यहाँ है बीटा बाय टू का मतलब कॉमन डिफरेंस बाय टू, और यहाँ अल्फा, अल्फा आपकी फर्स्ट टर्म है, आर्ग्यूमेंट की फर्स्ट टर्म है, और ये है अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू एन बीटा, तो ये है आपकी लास्ट, ये तो आपकी हुई फर्स्ट, ये हुई लास्ट आर्ग्यूमेंट। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, है ना, तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट एंगल गुणा लास्ट एंगल डिवाइड बाय टू। हाँ जी, याद रखिएगा